नमस्कार, आप जोई રહ્યા છો જે 24 કલાક ફટાફટ ખબરો સાથે હું ધરા। સૌથી પહેલા નજર કરીએ તો ઉત્તર ભારત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં હીટવેવની આગાહી છે। રાજસ્થાનનું ચૂરુ 47.5 ડિગ્રી સાથે સૌથી ગરમ શહેર બન્યું છે। આજથી નવ તાપ શરૂ થતા હજુ વધુ ગરમી પડવાની આગાહી। 15 દિવસ માટે સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં આવતા તાપમાન વધે છે। નવતાપની અસરથી આગામી દિવસોમાં પારો 48 ડિગ્રીએ પહોંચી જશે। कच्छ में सतत बे दिवस भूकंप आंचका अनुभवाया है। वहली सवारे 4:30 कलाके भजाओ में भूकंप आयो। भूकंप 2.6 की तीव्रता आंचका अनुभवाया है। भूकंप केन्द्र बिंदु कच्छना भचाऊ थी 70 किलोमीटर दूर। सूरत में सुमूल डेरीनो महत्वनो निर्णय। दूध उत्पादकों ने वार्षिक 1 किलो पेटे 85 रूपया आपवानी जाहरात। सूरत और तापी जिला में 2,50,000 पशुपालकों ने 210 करोड़ रूपया चूकवવામાં આવશે। સુમૂલના નિર્ણયને કારણે પશુપાલકોમાં આનંદની લાગણી। પાટણમાં પાણીના અભાવે બાજરીનો પાક નિષ્ફળ ગયો। અતિવૃષ્ટિ માવઠા પછી પાણીના અભાવનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો। નુકસાન થયેલા પાકનું વળતર આપવા માંગ। अमरेलीना सावरकुंडला तालुकाना पियावा, मेसावा अने वासियाळी सहितना तमाम गामोमां તીડનું आक्रमण थयुं छे। खेडूतोना उनाळु पाक तेमज शाकभाजीना पाकने व्यापक नुकसान पहोंच्युं। गुजरातना खेडूतो माटे सीएम रूपाणीने पत्र लखवामां आव्यो छे। दक्षिण गुजरातना खेडूतो पासेथी टेकाना भावे मगनी खरीदी करवा मांग कराई। मगनी खरीदी करवा केन्द्र शरू करवा माटे मांग कराई। वडोदराना डभोईनुं वढवाण तळाव सूकू भट बनी गयुं छे। तालुकाना 27 गामने असर पहोंची। तळावने भरवा खेडूतोनी तंत्र पासे मांग। जूनागढ़ भारतीय किसान संघे जिला कलेक्टरने आप्युं छे आवेदनपत्र। खातर, दवा, बियारण, रासायण मळे तेमज धिराण लीधेला खेडूतोने व्याज माफी करवामां आवे तेवी मांग करवामां आवी। 14 कलाक वीजळी मळे ते सहितना मुद्दे अपायुं छे आवेदनपत्र। जामनगरનું હાપા માર્કેટયાર્ડ આજથી શરૂ। હાપા માર્કેટયાર્ડ શરૂ થતા સામાન્ય દિવસ જેવી ચહલપહલ જોવા મળી। આજથી તમામ પ્રકારની જણસીની હરાજી શરૂ થઈ। ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં ખરીદ વેચાણનો ધમધમાટ। અરવલ્લી જિલ્લામાં ઘઉંના 5 કરોડ ખેડૂતોને નહીં ચૂકવાતા રોષ। ટેકાના ભાવે ખરીદાયા હતા 25,000 ક્વિન્ટલ ઘઉં। ચોમાસા પહેલા રૂપિયાની ચૂકવણીની માંગ। अंबाजीना गबरवाड़ा चुंदड़ीवाड़ा माताजी उर्फे प्रहलादभाई जानीए चराड़ा खाते मध्यरात्रिना 2:45 कलाके लीधा अंतिम श्वास। बुधवारे तेमना आश्रम में पार्थिव देहने दर्शन माटे रखाशे। 28 मे सवारे तेमने समाधि अपाशे। सीएम रूपाणी चुंदड़ीवाड़ा माताजीना निधन पर व्यक्त कर्यो छे शोक। प्रहलादभाई जानीना निधनथी दुखनी लागणी अनुभवी। ट्विटर पर ट्वीट कर्युं छे विजय रूपाणीए अने दुख व्यक्त कर्युं। दाहोद ने बैंक ऑफ इंडिया ने बंद करवामां आवी। अगाऊ 20 तारीखे कोरोना पॉजिटिव दर्दीए बैंक में लेवड़देवड़ करी हती, जे मामले बंद करवामां आवी। बैंक की बहार बंधनुं बोर्ड लगावायुं। बैंकना 4 कर्मीओने क्वोरंटाइन कराया। भावनगरना हादानगर विस्तारमां वीज पावरट बीम थता इलेक्ट्रिक उपकरणों बगड़या छे। वारंवार थती समस्याथी स्थानिकोमां रोष जोवा मळ्यो। स्थानिकोए अधिकारीने रजूआत करी। राजकोटनी गोंडल नागरिक बैंक में आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत लोनना फॉर्मनुं वितरण करायुं। सोशल डिस्टन्सनुं चुस्तपणे पालन करायुं। एक महत्वनी खबर, मनरेगा योजना पर राज्य सरकारनो लक्ष्यांक। दैनिक 10 लाख लोकोने रोजगारी मळे तेवो सरकारनो लक्ष्य छे। योजना हेठळ महत्तम लोकोने रोजगारी आपवानुं लक्ष्य छे। अत्यारे 4 लाख लोकोने मळी रही छे रोजगारी। त्यारे हवे पूर्व अमदावाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहराए ग्राम विकास कमिश्नरनो चार्ज संभाळ्यो छे। त्यारे आ मामले सौथी मोटी खबर, दैनिक 10 लाख लोकोने रोजगारी मळे तेवो लक्ष्यांक छे। संवाददाता हितल फोनलाइन पर जोड़ाया छे। हितल, जणावशो आ मामले पहेला 4 लाख लोकोने रोजगारी मळी रही हती अने हवे दैनिक 10 लाख लोकोने रोजगारी मळे तेवो लक्ष्यांक छे, शुं वधारे विगत? जी चौक्स एवं कही शकाय के विजय नेहरा ए पोताए ग्राम विकास कमिश्नरनो चार्ज संभाळ्या बाद तेओए मुख्यमंत्री साथे बैठक करी हती अने मनरेगा योजना संदर्भमां चर्चा विचारणा करवामां आवी हती के वर्तमान परिस्थितिमां ग्राम्य कक्षाए वधारामां वधारे रोजगारी केवी रीते मळी शके ए माटेनी चर्चा विचारणा थई छे अने एमां मनरेगा योजना अंतर्गत 10 लाख लोकोने रोजगारी मळे ए प्रकारनी आयोजन करवानी लक्ष्यांक आपवामां आव्यो होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। अने ए लक्ष्यांकमां अत्यारे 6 લાખ ઘટી રહ્યા છે। સ્વાભાવિક છે કે અત્યારે 4 લાખ લોકોને મનરેગા યોજના અંતર્ગત રોજગારી મળી રહી છે અને ખાસ વર્તમાન સંજોગોમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પણ મેક્સિમમ લોકોને રોજગારી મળે એટલા માટેનો ભાર જે છે એ આ નવો લક્ષ્યાંક વિજય નહેરાને આપ્યો છે અને તેઓ આ દિશામાં કાર્ય કરે એ માટે પણ તેમને કહેવામાં આવ્યું છે। જી બિલકુલ, હિતલ, આભાર આપનો। विजय नेहराए ग्राम विकास कमिश्नरनो चार्ज संभाळ्यो छे, त्यारे हवे एक नवो लक्ष्यांक सिद्ध करवामां विजय नेहरा कामगीरी करशे। दैनिक 10 लाख लोकोने रोजगारी मळे ते हेतुथी कामगीरी करवामां आवशे। अत्यार सुधी 4 लाख लोकोने रोजगारी मळी रही छे, परंतु हवे नवो लक्ष्यांक सिद्ध करवा माटे कामगीरी थशे। फटाफट खबरों पर नजर करीए। वात करीए नर्मदाना डेडियापाड़ामां स्थानिको अने पोलीस वच्चे तकरार। पुलिसे स्थानिकोनी खरीदी करीने परत फरता लोकोनी गाड़ीओ रोकता मामलो बिचकायो, वीडियो वायरल थयो छे। कोरोनाना कालमां वलसाडना वापीना मोरायमां कामदारोने काढी मूक्या। आलोक कंपनीए अचानक निर्णय लेता कामदारोनी हालत बनी कफोड़ी। अमदावादना जीएमबीसी ग्राउंड खाते मैंगो फेस्टिवलनुं आयोजन करवामां आव्युं। मेयर बिजल पटेले मैंगो फेस्टिवलनुं कर्युं उद्घाटन। एमसी और राज्यना सहकार विभागे कर्युं छे मैंगो फेस्टिवलनुं आयोजन। सवारे 8 थी सांजे 4 वाग्या सुधी थशे केरीनुं वेचाण। अमदावादमां कालथी खुर्ची, कालुपुर होलसेल अनाज बजार, अमदावाद ग्रेन मर्चंट एसोसिएशने मळी मंजूरी। तंत्रना आदेश बाद वेपारीओमां हर्षनी लागणी। होलसेलमां अनाज वेचाणनी मंजूरी मळी छे। मात्र 40 लोडिंग रिक्षाने बजारमां प्रवेशवानी मळी छे मंजूरी। मैंगो कार्यक्रम में 2 स्टोल वच्चे 1 स्टोल जेटलू रखाशे अंतर। सोशल डिस्टन्सिंग जळवाई रहे ते माटे लेवायो निर्णय। अगाउ ग्राहकनुं कराशे थर्मल स्केनिंग, सेनिटाइजर अने हेन्ड वोश कर्या बाद मार्केट में अपाशे प्रवेश। अमदावादना एनएसयूआईना महामंत्री भाविक सोलंकीए राज्यना मुख्यमंत्रीने लख्यो छे पत्र। जे विद्यार्थीओ परीक्षा आपवाना छे तेमने पासेथी ज फी लेवानी करी छे मांग। कैंसल टिकीटनी रिफंड चूकवવાનો प्रारंभ। कालुपुर रेलवे स्टेशन प्रथम दिवसे 45 लाख रिफंड चूकवायु। 7500 मुसाफरोने चूकवायु रिफंड। कच्छ में भूज थी 8मी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना थी। भूज थी वाराणसी की ट्रेन ने प्रांत अधिकारी मनीष गुरवाणीए आपी छे लीली झंडी। 1400 श्रमिकों थया रवाना। फूड पैकेट और पानी की बोटलों वितरण करायु। सूरत में परिवर्तन ट्रस्टे मुख्यमंत्री लख्यू छे पत्र। पत्र में 4 मासना वीजली बिल, गैस बिल, पाणी वेरा सहितना सरकारना तमाम वेराओ माफ करवा माटे मांग कराई। सूरत में एसटी बस ने थई रह्युं छे लाखोनुं नुकसान। बस में गण्या गांठिया मुसाफरो करी रह्या छे मुसाफरी। नुकसान सहन करीने 6 रूट पर दौड़ावाई छे एसटी बस। वडोदरा पालिकाए वेरा वळतरनी योजना करी लॉन्च। 1 થી 30 જૂન સુધીમાં વેરા ભરનારને 10% રાહત। સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટ 1 જૂનથી ધમધમશે। 140 જેટલા માર્કેટમાં પાળવા પડશે ચુસ્ત નિયમો। સુરત ડાયમંડ એસોસિએશને બહાર પાડ્યો છે પરિપત્ર। કામના કલાકો 8 ને બદલે 6 કલાક કરવાનો આદેશ। કારખાનું ફરજિયાત સેનેટાઇઝ કરવાનું રહેશે। હજુ પણ મિની બજારમાં ટ્રેડિંગ રખાયું છે ચાલુ। ટ્રેડિંગ પર મૂકવામાં આવ્યો છે પ્રતિબંધ। गुजरात में नवा शैक्षणिक सत्रनो प्रारंभ। जुलाईना बीजा सप्ताहथी के ऑगस्टना प्रथम सप्ताहथी शुरू करवानी सक्रिय विचारणा। माध्यमिक शाला में ई क्लासथी नवा शैक्षणिक सत्रनो प्रारंभ थई शके। वडोदरा में सामे आवी शरमजनक घटना। लॉकडाउन में दीकरो मानवता भूल्यो। पोतानी सगी जनेताने मार मारी घरमांथी काढी मूकी। पुत्र ने पुत्रवधूना मारथी व्यथित माता कलेक्टर कचेरी सुधी पहोंची। वृद्ध माताना शरीर पर निशान पण जोवा मळ्या। अभयमनी टीम बोलाववामां आवी अने माताने घरे परत मोकलवामां आवी। भाजप आईटी सेले मीडिया पर करेला विवादित ट्वीटथी राजकारण गरमायु छे। कांग्रेसे आ मामले भाजप प्रमुख जीतू वाघाणी और मुख्यमंत्री रूपाणी माफी मांगे तेवी मांग करी। अमदावाद सिविल होस्पिटलनी स्थितिनी समीक्षा माटे प्रदेश कांग्रेसना नेताओए लीधी मुलाकात। होस्पिटलनी कामगीरी जूनियरोना हवाले होवानो कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ानो आरोप। कोरोनाना कारणे राज्यनी स्थितिने लईने कोंगी नेता मनीष दोशीना भाजप पर प्रहार। अमदावाद अने गुजरातमां दिशाविहीन नेतृत्वना कारणे कोरोनानुं संक्रमण वध्युं। उनाना धारासभ्य पुंजा वंशीए मुख्यमंत्री रूपाणीने लख्यो छे पत्र। पत्रमां सेनेटाइजेशन अने एंटीबायोटिक दवामां सरकारी गैररीतिनो आरोप। 30 લાખ गोळीना वगर टेन्डरे खरीदवानो आरोप करायो। सेनेटाइजरमां पण घोटाळो कर्यानो आरोप। આરોગ્ય સચિવ જયંતિ રવિની કામગીરીથી રાજ્ય સરકાર નારાજ. વિજય નહેરા બાદ જયંતિ રવિને પણ સાઇડલાઇન કરાય તેવી શક્યતા. ટૂંક સમયમાં પણ અંગે નિર્ણય લેવાશે. अमदावाद पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा की मुख्यमंत्री साथ मुलाकात. विजय नेहरा ने हाल ग्राम विकास कमिश्नर की सौंपाई जवाबदारी. ग्राम्य विस्तारों में कोरोना ने नाथवा माटे चर्चा. अमदावाद में कोरोना कहर यथावत. हवे उत्तर झोन बन्यु छे कोरोनानु एपिसेंटर. मध्य झोन बाद उत्तर झोन में सौथी वधारे केस नोंधाया. सतत वधी रह्या छे कोरोना वायरसना केस. छेल्ला 24 कलाक में गुजरात में कोरोना वायरसना 405 केस नोंधाया. 24 कलाक में कोरोना कारण 30 दर्दीओए जीव गुमाव्या. छेल्ला 24 कलाक में 224 लोग साजा थया. गुजरात में अत्यार सुधी कुल 14,468 केस नोंधाया छे. गुजरात में अत्यार सुधी 888 लोगों मृत्यु थया. गुजरात में कुल 6,636 जेटला लोग साजा थईने घरे पहोंच्या. अमदावाद में छेल्ला 24 कलाक में 310 केस नोंधाया. अमदावाद में छेल्ला 24 कलाक में 25 दर्दीओना मृत्यु थया. छेल्ला 24 कलाक में अमदावाद में 136 लोग साजा थया. समग्र देशभर में कोरोना कहर यथावत है. 1,44,000 थी वधारे केस नोंधाया है. कोरोना थी 4,000 थी वधारे लोग मृत्यु पाम्या है. तो 60,000 थी वधारे लोगोए कोरोना वायरस ने मात आपी. महाराष्ट्र में कोरोना संकट वध्यु है त्यारे महाराष्ट्र में कोरोना आंकड़ो पहुंचो है 52,000 ने पार. कोरोना 1,600 थी वधारे लोगों मृत्यु थया है. 15,000 थी वधारे लोगोए कोरोना ने मात आपी. विश्व में कोरोना केस 55,88,000 ने पार पहुंचा. कोरोना कारण 3,47,000 थी वधारे लोगोए जीव गुमाव्या जैसे 23,65,000 थी वधारे लोगोए मात आपी. अमेरिका में कोरोना वायरस ना केस 17 लाख ने पार पहुंचा. 99,000 थी वधारे लोगों ना मृत्यु थया. 4,64,000 थी वधारे दर्दीओए कोरोना वायरस ने मात आपी. रशिया में कोरोना केस की संख्या में सतत वधारो. कोरोना केस की संख्या 3,53,000 ने पार. रशिया में कोरोना की मृत्युआंक 3600 ने पार. स्पेन में कोरोना केस 2,82,000 ने पार पहुंचा. कोरोना कारण 26,000 थी वधारे लोग मृत्यु पाम्या जैसे 1,96 लाख थी वधारे लोगोए कोरोना वायरस ने मात आपी. सूरत में कोरोना वायरस केस आंकड़ा में अदद वधारो. सूरत में कोरोना नवा 24 केस नोंधाया. लिंबायत और सेंट्रल झोन सौथी वधु दर्दीओ. जामनगर में नोंधायो वधु एक कोरोना पॉजिटिव केस. लालपुर में रहती 36 वर्षीय महिला रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव. बनासकांठा में कोरोना वायरस वधु 3 पॉजिटिव केस नोंधाया. दांतीवाड़ा में 1 केदी रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव. डीसा में कोरोना 2 केस नोंधाया. नवसारी में वधु 2 पॉजिटिव केस नोंधाया है. मुंबई थी आवेला 20 वर्षीय युवानो रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव जैसे 68 वर्षीय वृद्धनो रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव. बनेने सारवार अर्थे कोविड होस्पिटल में खसेडवामां आव्या. सूरत में वधु 12 पॉजिटिव केस नोंधाया. लिंबायत झोनना सौथी वधारे दर्दी तमामने आइसोलेशन वोर्ड में खसेडवामां आव्या. तेमणे दर्दीओनो परिवार छे तेमणे क्वोरंटाइन करवामां आव्या. भावनगर में वधु 2 केस पॉजिटिव नोंधाया. शहर और ग्राम्य विस्तार में 1-1 पॉजिटिव केस नोंधायो. 25 वर्षीय डॉक्टर नो रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव जैसे ग्राम्य विस्तार में 12 वर्षीय युवानो रिपोर्ट पण पॉजिटिव. राजकोट ग्राम्य में कोरोना संकट वध्यु है. ग्राम्य में वधु 12 केस पॉजिटिव नोंधाया. वधता जता केस ने पगले लोगों में चिंता नो माहौल. सीआईएसएफना 18 जेटला जवानों रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव. दिल्ली एरपोर्ट पर फरज बजावी रह्या हता जवानों. दिल्ली में सतत वधी रह्या छे कोरोना वायरसना केस. पंचमहालना गोधरा में होमगार्ड जवानों निपजीव मौत. कोरोना बंदोबस्त दरमियान अचानक लथड़ी तबियत. गोधरा सिविल होस्पिटल में सारवार दरमियान मृत्यु. वडोदरानी सयाजी होस्पिटल की गंभीर बेदरकारी आई सामे. कोरोना पॉजिटिव दर्दी ने शिफ्ट करता समय ऑक्सीजन की पाइप निकली जवाती मृत्यु पाम्या. कांग्रेस स्टाफ ने बेदरकारी ना कारणे आक्षेपों कर्या. पाटण जिला में आज कोरोना 4 पॉजिटिव दर्दीओना रिपोर्ट आव्या नेगेटिव. तमामने रजा आपवामां आवी. 4 दर्दीओने कोविड होस्पिटल में खसेडवामां आव्या हता. सारवार दरमियान सारवार लीधी अने त्यारबाद रिपोर्ट आव्या नेगेटिव. खेड़ा नडियाद में 6 दर्दीओए कोरोना ने आपी छे मात. कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आवता रजा अपाई. अत्यार सुधी कुल 21 दर्दीओए कोरोना वायरस ने मात आपी. सुरेन्द्रनगर में कोरोना 1 दर्दी स्वस्थ थता अपाई छे रजा. अत्यार सुधी में 4 दर्दीओ साजा थया. कोरोना वधी रहेला केसने लईने दिल्ली गाजियाबाद બોર્ડર સીલ કરવામાં આવી। બોર્ડર સીલ થતા સર્જાયો ટ્રાફિક જામ। ડીએમનો પાસ હોય તો જ આપી રહ્યા છે એન્ટ્રી। દિલ્હી સાથે જોડાયેલા તમામ બોર્ડર કરાઈ છે સીલ। આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। वेलकम बैक। आगे बात करें समाचारों में। लॉकडाउन वच्चे केरल में धोरण 10 अने 12 नी बोर्ड नी परीक्षा शुरू। मास्क अने सोशियल डिस्टन्स ना पालन साथे परीक्षा शुरू करवामां आवी। थर्मल स्क्रीनिंग करीने विद्यार्थीओने क्लासरूम में अपाववामां आवी एंट्री। हिमाचल प्रदेश में लंबावायुं लॉकडाउन। कोरोना केस में वधारो थता 30 जून सुधी लॉकडाउन में वधारो करवामां निर्णय करवामां आव्यो। ज्यारे केन्द्र सरकारे 31 मे सुधी लॉकडाउन वधार्युं। जीएसटी ऑफिसर व्हाट्सएप कॉलिंग थी शो कोज नोटिस नु करशे हियरिंग। देश में प्रथम वखत थशे व्हाट्सएप कॉल थी हियरिंग। सोशल डिस्टन्स जाळववा माटे खास आयोजन करवामां आव्युं। देशभर में हवाई सेवाना प्रारंभना प्रथम दिवसे हजारों लोकोए मुसाफरी करी। 532 फ्लाइट थी 39,000 थी वधु मुसाफरोए हवाई सेवानो लाभ लीधो। ज्यारे राज्य में प्रतिबंध होवाथी 630 फ्लाइट केन्सल कराई। लॉकडाउन दरमियान अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने मळ्युं छे करोड़ोनुं दान। ट्रस्टना बेंकना खातामां आव्युं 4.75 करोड़नुं दान। देशना 5,000 लोकोए ट्रस्टना खातामां पैसा कर्या ट्रांसफर। सूरतना एक व्यक्तिए कोरोना महामारी सामे बनाव्या यूनिक खाखरा। सोशियल मीडियामां खूब ज वायरल थई रह्या छे इम्युनिटी बूस्ट खाखरा। सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरी थया बाद वेचाण कराशे शरू। कोरोना महामारी वच्चे गुजरातीओ अवनवी वानगी पर अजमावी रह्या छे हाथ। कोरोना संकट में एक अमदावादीए बहार पाड़ी छे इम्युनिटी केक। केक में वपरायेला तमाम सामग्री रोगप्रतिकारक शक्ति में करे छे वधारो। डब्ल्यूएचओए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ने कोविड-19 नी ट्रीटमेंट लिस्ट में हटावी। दवानी आडअसरने लईने लिस्ट में हटाववामां आवी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेवी लाभप्रद न होवानुं डब्ल्यूएचओए जणाव्युं, जेना कारणे लिस्ट में हटाववामां आवी। कोरोना दर्दीओने क्लिनिक ट्रायल विना ज रेमेडे સિવિર નામની દવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું। દવા આપતા પહેલા દર્દીની સંમતિ પણ અનિવાર્ય રહેશે। સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશને એક્સપર્ટ કમિટીએ કર્યું છે સૂચન। માતાને કોરોના થાય તો ગર્ભનાળને પહોંચી શકે છે નુકસાન। ગર્ભનાળમાં લોહીના પ્રવાહને અવરોધતા ભ્રૂણના અવયવોને થઈ શકે છે અસર। કોરોનાનું સંક્રમણ ગર્ભનાળ સુધી પહોંચે તો થઈ શકે છે પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી। નોર્થ વેસ્ટ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ 15 ડિલિવરીઓ પર કર્યું છે રિસર્ચ। કોરોના સંકટ વચ્ચે એલપીજી સિલિન્ડર પર સબસિડી થઈ શૂન્ય। આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસની કિંમતોમાં સતત ઘટાડો થતા एलपीजी मिली रही है सस्ती कीमते। कोरोना महामारी वच्चे दक्षिण कोरियानो नवो उपाय। क्लबों और रेस्टोरंट में ग्राहकों ने क्यूआर कोड स्कैन कर्या पछी ज अपाशे एंट्री। जून महीनाथी लागू थशे आ सिस्टम। हाई रिस्कवाळा तमाम स्थळोए अपनावी पड़शे क्यूआर कोड सिस्टम। केनेडाना वानकुवरमां स्लो स्ट्रीट प्रोग्राम थयो छे शरू। 50 किलोमीटरना स्लो स्ट्रीट बनावाशे। वाहनोनी स्पीड रहेशे ओछी तेमज 12 किलोमीटरनुं अंतर कापवा साइकलिंग अने वॉकिंगने प्रोत्साहित करवामां आवशे। मुख्य मार्गो पर कारथी अवरजवर पर प्रतिबंध मुकाशे। लॉकडाउन शरू थया बाद सोना चांदीना भावमां वधारो। 2 मासमां सोनु 13.95% अने चांदी 26.67% थई मोंघी। कोरोना महामारी वधशे तो सोनु 50,000 सपाटीए पहोंची शके। चीन में नॉनवेज की मांग में वधारो। कोरोना कहर वच्चे नॉनवेज की मांग में 170% नो वधारो। एप्रिल मास में ज पार्क की आयात में लाख टन थी। गांधीनगर जिला कांग्रेस जिला कलेक्टर ने आवेदनपत्र आप्यु। मार्च महीना थी जून महीना सुधी वीज बिल माफ करवानी करी मांग। वडोदरानी डभोई कांग्रेस मामलतदार ने आप्यु छे आवेदनपत्र। लाइट बिल शिक्षण फी माफ करवानी करी छे मांग। थराद कांग्रेस मामलतदार ने आप्यु छे आवेदनपत्र। मार्च और जूननु वीज बिल पाणी वेरो मिलकत वेरो आ तमाम माफ करवा माटे आवेदन में रजूआत करवामां आवी। धारासभ्य गुलाबसिंह राजपूत ने आगेवानी में अपायो आवेदनपत्र। अमरेलीना लाठीबारा में कांग्रेस मामलतदार ने पाठव्यु छे आवेदनपत्र। वीज बिल विद्यार्थीओनी स्कूल फी पाणी वेरो मिलकत वेरो माफ करवा माटे रजूआत कराई। द्वारका में फोटोग्राफर एसोसिएशने आप्यु छे आवेदनपत्र। प्रांत अधिकारी कचेरी ने आवेदनपत्र आपी योग्य पैकेजनी सरकार समक्ष करी मांग। सूरत में सोशल डिस्टन्सना उड़ाव्या धजागरा। मिनी बजार में मोटी संख्या में लोग भेगा थया। ट्रेडिंग पर प्रतिबंध मुकायो होवा छतां चालू करवामां आव्युं अने सोशल डिस्टन्सना धजागरा उड़ाव्या। दाहोद में गुटखा लेवा माटे लोकोनी लांबी कतारो जोवा मळी। देवगढ़ बारियामां वेपारीओ काळाबजारी करता होवानुं आव्युं सामे। काळाबजारी सामे तंत्र कार्यवाही करे तेवी लोकोनी मांग। राज्य में 3 जूने वावाझोडुं ત્રાટકે तेवी संभावना। अरबी समुद्र में सर्जायेला लो प्रेशरना पगले वावाझोडुं सर्जाय तेवी शक्यता। 3 जूने वावाझोडुं गुजरातना दरिया किनारे पहोंचे तेवी शक्यता। अमदावाद में मानसी सर्कल नजीक समंता कॉम्प्लेक्स नी कॉस्मेटिक नी दुकान में लगी भीषण आग। आग लगवा पाछळनुं कारण हजू अकबंध। अमदावादना कुबेरनगर में बैंक में लगी भीषण आग। सर्कल पास बैंक ऑफ इंडिया नी ब्रांच में लगी है आग। आग की घटना में कोई जानहानि नहीं। डीसा नगरपालिका ने योजाई सामान्य सभा। देशमुख गार्डन शुरू करवा माटे निर्णय लेवायो। सरकारी जमीन में गार्डन बनावता आव्या हुकम बनाववामां आव्यो छे त्यारे 2.5 करोड़ना खर्चे बनेलो बगीचो 2.5 वर्ष लॉकडाउन रह्यो। कच्छना लाकड़ियामां पोलीस फरियाद बाद पण पत्थरमारो थता परिवार परेशान थयो। आरोपी रात्रे घरे आवीने पत्थरमारो करी रह्यो हतो त्यारे परिवार परेशान थयो। घरना सीसीटीवीमां आरोपी कैद थयो छे। पोलीसे कोई कार्यवाही न करता विडियो बनावी परिवार द्वारा आत्मविलोपन करवानी चीमकी उच्चारवामां आवी। मोरबी में वाहन पार्क करवा मुद्दे माथाकूट सर्जाई। पंचासर रोड पास पार्क करेला बाइक हटावानुं कहता हुमलो थयो। महिला सहित 10 लोगों ने पाइप और धोकाथी मार मरायो। इजाग्रस्तों तमामने सारवार माटे होस्पिटल में खसेडवामां आव्या। सूरतना लिंबायत में असामाजिक तत्वों आतंक जोवा मळ्यो। खुलेआम तलवार लई महिलाना घरे पहोंचीने हुमलो करवामां आव्यो। महिलानो परिवार पाछळना रस्तेथी जीव बचावीने भाग्यो। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरामां कैद थई। अमदावाद में वेपारी ने दीकरीनो फोटो वायरल करवानी धमकी मिली। 15 लाख की मांग करी है और धमकी बदल पुलिसकर्मी सहित युवती विरुद्ध नोंधाई है फरियाद। મહીસાગરમાં સંતરામપુરામાં વાઘ દેખાયો હોવાનો દાવો, જંગલમાં વાઘ દેખાયો હોવાનું સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું. સ્થાનિકોએ વાઘનો વિડીયો ઉતારીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો. મહીસાગરમાં વાઘ દેખાયાના દાવા બાદ સિંહ 24 કલાક પહોંચ્યું જંગલમાં. વન વિભાગે વાઘ દેખાયાના દાવાને પગલે હાથ ધરી તપાસ. ગતરોજ સ્થાનિકોએ વાઘના પાડ્યા હતા ફોટા. સુરેન્દ્રનગરની કેનાલમાં 175 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. સૌરાષ્ટ્ર નહેરની મુખ્ય કેનાલમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું. પાણી છોડાતા સુરેન્દ્રનગર વાસીઓને નહીં સર્જાય પાણીની તંગી. વડોદરામાં માટીચોરી કૌભાંડમાં બિલ્ડરને નોટિસ. બિલ્ડર ચંદ્રેશ પટેલને નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરે ફટકારી નોટિસ. પ્લોટની પ્રતિ ચોર મીટરમાં જે રીતે નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે, ₹100 ભાડું ચૂકવાતા નોટિસ પાઠવવામાં આવી. લોકડાઉનનો લાભ ઉઠાવી બિલ્ડરે સરકારી માટીની કરી હતી ચોરી. લોકડાઉનમાં વલસાડ જિલ્લાના પારડીમાં પ્રેમીએ પ્રેમિકાને મળવા માટે જુગાડ કર્યો. પ્રેમિકાને મળવા અધીરા બનેલા પ્રેમીએ ધારણ કર્યો યુવતીનો વેશ. રાત્રે પેટ્રોલિંગમાં પોલીસે રોકી પૂછપરછ કરતા ફૂટ્યો ભાંડો. આ સાથે બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.